हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टैसल इयररिंग। टैसल इयररिंग घर पे बनाना बहुत इजी है फ्रेंड, चलिए इसे आप ट्राई करते हैं। टैसल इयररिंग यानी कि रेशम धागा इयररिंग घर पे बनाना इजी के साथ बहुत फैशनेबल भी लगता है फ्रेंड्स। टैसल इयररिंग के लिए हमें चाहिए सिल्क धागा, आप कोई भी कलर का धागा ले सकते हैं। इसके साथ हमें इयररिंग हुक चाहिए होगा फ्रेंड्स। इयररिंग हुक को अटैच करने के लिए हमें जंप रिंग और इयररिंग कैप चाहिए होगी। एक सुई लेंगे फ्रेंड, रेशम धागा से मैच करता हुआ आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी धागा ले सकते हैं। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, आपको जितनी लंबी इयररिंग चाहिए उतने बड़ा कार्डबोर्ड का साइज लेंगे। इसके साथ कट करने के लिए हमें सीजर का इस्तेमाल करेंगे और चिपकाने के लिए हम फेविक्रिल ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी सामग्री आपको इजीली अमेज़ॉन पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। कार्डबोर्ड के टुकड़े जितना आप इयररिंग चाहते हैं उसे एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड, ताकि लास्ट में जब आप कट करें तो आपका इयररिंग छोटा ना पड़े। अब ये सारे प्रोसेस आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। हमारा रेशम धागा इयररिंग यानी कि टैसल इयररिंग बन के तैयार है फ्रेंड। देखा ना, इसे बनाना कितना इजी था फ्रेंड। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और अपने डिफरेंट कपड़े के साथ अलग अलग स्टाइल के आप अपना क्रिएटिविटी इसमें ऐड कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये बनाकर कैसा लगा। इसे आप साइड बर्न या खुले बाल के साथ ईजिली कैरी कर सकते हैं। जीन्स, कुर्ती, हर तरह के कपड़े के साथ ये मैच करता है। अगर आपका टैसल इयररिंग कभी टेढ़ा हो जाए तो आप इसे हेयर स्ट्रेटनर या फिर आयरन से
लो हीट में आप इसे आराम से स्ट्रेट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले फ्रेंड। आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।